अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाने की 25वीं बरसी को हिंदू संगठनों ने शौर्य दिवस के रूप में मनाया। विश्व हिंदू परिषद द्वारा मंडी चौक स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर पर शाम को भजन, सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ और महाआरती का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्र प्रवक्ता डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए संसद में प्रस्ताव पारित होना चाहिए। हिंदुओं ने भव्य मंदिर निर्माण के लिए सरकार को चुना है, अब सरकार का दायित्व है कि वो रामलला की जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण कराए। विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री ईश्वरी प्रसाद और प्रांत सह संगठन मंत्री सुदर्शन चक्र महाराज ने भी संबोधित किया। प्रांत मीडिया प्रभारी श्याम कृष्ण रस्तोगी, महानगर अध्यक्ष नीरज सिंगल, रोहन सक्सेना, अविनाश गुप्ता, अमित गुप्ता, विशाल द्रविड़, संजय कट्टा, गौरव भटनागर, भरत टंडन, देवेश विशिष्ट, रामजी गुप्ता, अंकित अग्रवाल, मोहित सक्सेना, रिंकल, रविंद्र सिंह छावड़ा, वरुण शर्मा, शकुंतला शर्मा, सुधांशु अग्रवाल, अभिषेक राजपूत, पुष्पेंद्र श्रीमाली मौजूद रहे। धर्मनिरपेक्षता हमको तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है, इसलिए बड़ा साफ लग रहा है मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अपमान नहीं कर सकता, हमने उनके आदेश का हमेशा पालन किया है, लेकिन अपमान इन्होंने किया है। मैं पूछना चाहता हूं, जो ताले खुले थे वो किसने खोले थे? क्या राजीव गांधी ने? ना, जुडिशियल ऑर्डर से खुले थे, अदालत के आदेश से खुले थे। पूरे देश में दंगे किए थे तुमने, कोर्ट का सम्मान करते हो, ट्रिपल तलाक पर जैसे ही कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कह दिया, बड़ी सॉफ्ट टिप्पणियां की, तुरंत कहा हम तुम्हारी टांगे पर तोड़ देंगे, हम तुम्हारी ये कर देंगे, ये सम्मान है तुम्हारे सामने जुडिशरी का। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया था तब भी तुमने यही कहा था, और तुम्हारे एक एक नेता शहाबुद्दीन ने स्वयं मुझसे कहा था और एक वार्ता में कहा था कि जिस दिन सबूत मिल जाएंगे वहां राम मंदिर था, मैं खुद आगे बढ़कर ढांचा तोड़ूंगा और अपनी पीठ पर ईंट लादकर वहां मंदिर बनवाऊंगा।